इसके गले में जो धागा है वो तो आपको उतारना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये धागा नहीं उतार सकती। अगले जुमे को आपकी बेटी की शादी है, जरूर आइएगा। मेरा बेटा जेल में, हम इतने परेशान, और तुम मुझे शादी का कार्ड दे रही। असा मम्मी, मान ली उसने मेरी बात, मान ली, रह चुके हैं। समीर बनियो, समीर हसा हसाम ने हमारी बात मान ली। हुरैन 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 हुरैन, अरे रैप करो, मुझे मुझे इसका इलाज पता है। मैं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं आऊंगा। अब आगे हुरैन, बेटा ठीक हो? तुम मजाक कर रही थी हुरैन, मजाक कर रही थी बेटे? नहीं अम्मी, ये होता है। आप ठीक हो? आप कैसे? तुम बेटा आप ठीक हो? क्या हुआ था आपको? कुछ तो अल्लाह, मैं उस दिन के लिए बहुत माजरा चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं बेटा, आपने माजरत कर ली, बात खत्म हो गई, हमें खुशी हुई। और बच्ची का क्या हाल है? ठीक। ये जो इसके गले में धागा है ये उतार दीजिए। लेकिन शाह बाबा, इस पर कुछ पढ़ के ही बनाया गया है। बेटा ये धागा अच्छा धागा नहीं है, ये उतार दीजिए, इसी की वजह से बंदिश हो रही है। नहीं नहीं नहीं, बस सभी ये धागा मत उतारें। ये धागा उतारना पड़ेगा, शाह बाबा कह रहे हैं। मुझसे लड़ना चाहते है ना, छोड़ दे मुझे, वरना तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब बेटा ये बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल मुतमईन रहिए। एक ग्लास मिर्च को पानी मंगा दीजिए तो मैं पाल के आपको दे दूंगा। तो ये बच्ची उठ जाए तो इसको पिला दीजिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। शाह बाबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना साथ दिया हमारा। नहीं नहीं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं बेटा। हो सके तो आप लोग भी सब इसको पी लीजिएगा, अल्लाह जल निशानहु का कलाम है, फायदा हो। मैं बहुत परेशान हूँ समीर, मेरा दिल नहीं मानता। खुदा ना खास्ता कुछ गलत हो गया ना तो। मानिया अब क्यों परेशान हो रही, शाह बाबा ने जब उस पर पढ़ा उसकी हालत देखी थी, अजीब सी हो गई थी, लेकिन अब देखो कितने सुकून से सो रही है। लेकिन साईं बाबा ने धागा उतारने से मना किया था। उन बाबा साईं को तो भूल ही जाओ तुम वानिया, अम्मी सही कह रही, मुझे लगता है ये सब किया धरा उसी आदमी का है।
समीर जी, अम्मी आ जाऊं? आ जाए आ जाए आ जाए। फरहान आए थे आज सुबह अरमान और मनाहिल की शादी का कार्ड लेके। क्या हुआ तुम फिर आ गए? जी मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूं। किससे? शाह बाबा ये मेरे बड़े भाई हैं। शाह बाबा मेरे आंटी के घर के जो बंदिश है उसका इलाज कर, मैं चाह रहा था कि ये इस घर को भी देख ले। पागल हो गए हो क्या? किसे उठा कर लाए हो? शाह बाबा हैं, यकीन करें ये जो कुछ भी हो रहा है उस बंदिश की वजह से। आप मुझ पर यकीन करें, शाह बाबा सफाई कर देंगे इसका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके आपके मेरे बीच में जो रंजिश है वो भी खत्म हो जाए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? निकालो इनको यहां से। चलिए निकले यहां से। ठीक है बेटा, आपको इलाज नहीं करवाना कोई बात नहीं, मगर किसी के साथ बदतहजीबी नहीं करते। मैं उम्र का आदमी हूँ, आपके वालिद साहब के बराबर हूँ, कुछ तो ख्याल कर लें। चलिए आप अपने दिल से कदूरत निकालिए और सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, माफी मांगनी है तो अल्लाह ताला से मांगिए। अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। कंधे से बोझ बिल्कुल ऐसा लग रहा है उतर गया है। आपका घर सारी मुश्किलात से साफ हो गया। जो आप पे तावीज किए गए थे उनका असर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब अस्सलाम बेटा जी, मुझे इजाजत दीजिए, अब चलता हूँ मैं। शाह बाबा ऐसे कैसे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ ये तो बताइए। नेकी पे तरगीब करो और बुराइयों से उनको रोको, हमारी खिदमत हो जाएगी इंशाल्लाह। चलो बेटा मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। अरे बेटा मैं चला जाऊँगा खुद ही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको लेकर आया था, मैं आपको छोड़ने भी जाऊँगा। ठीक है, आपकी खुशी इसी में है तो यूं ही सही। चले ज-
अच्छा भाई इजाजत दीजिए। क्यों दूं इजाजत? तुम यहां वापस नहीं आओगे? नहीं भाई, मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरी बीवी है, जहां मैं रहता हूं। और तुम कहां रह रहे हो? होटल में। इतना बड़ा घर छोड़ के होटल में क्यों रह रहे हो? आप ही ने तो निकाला था। अच्छा, मैं जो भी कहूंगा वो करोगे? मैं कहूंगा खाई में कूद जाओ, कूद जाओगे? कहकर देख। इनाम, क्या सोच रहे हैं आप? मुझे एक बात का दुख है अरसा, मैंने हसाम के साथ बहुत ज्यादती कर दी। फिर से नहीं बात। हम जो कुछ भी है, हमें राबेल को अपनाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे घर की बहू है, हमारे घर का हिस्सा है, उसका मसला हमारा मसला है। बस मुझे एक बात रह रहकर तंग कर रही है, उसने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था। क्या? ये किसने कहा आपसे? तुमने? मैंने कब कहा? मुझे तो किसी ने पीछे से खींचा था, बहुत जोर का। राबेल बेचारी तो मेरी हेल्प कर रही थी, मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझसे? समझ गया। क्या समझ गया? मुझे भी समझाएं। समझ गया, वो तुम जेरे असर थी, तभी तुमने राबेल पर इल्जाम लगाया। कितना अच्छा हुआ कि हसाम शाह बाबा को यहाँ ले आया। हम सबके जहन पलट गए थे इरसा, हम अपनों से दूर होते जा रहे थे। समीर, क्या हो गया है? आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, बस सोने लगा हूँ थोड़ी देर। क्या बात है, परेशान है? मनाहिल की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। मैं शायद फोन है मेरा, वो बानिया उसको इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए तो नहीं देख सकता हूँ। किसी कीमत पे ये शादी तो नहीं होने दूंगा। वैसे अगर बुरा ना मनाए तो मनाहिल को ना आप उसके हाल पे छोड़ते हैं, बच्ची नहीं है वो। जब उसे अपनी फिक्र नहीं है तो हम क्यों उसके पीछे परेशान हुए चले जा रहे हैं? क्या मतलब इस बात का बानिया? अगर हुरैन कोई गलत कदम अपनी मर्जी से उठाएगी तो तुम उसे रोकोगी नहीं? हुरैन बच्ची है और मनाहिल बच्ची नहीं है। मनाहिल मेरे लिए बच्ची है। मैडम छोड़े इस बात कर, एक गिलास पानी पिला लो मुझे। बानिया, ये वही वाला दाग है ना, तुमने उतारा क्यों नहीं अभी तक? वो मैं पानी लाती हूँ। मेरी बात का जवाब दो, ये धागा अभी तक तुमने उतारा क्यों नहीं? बाबा साईं ने सख्ती से मना किया ये धागा उतारने से। अगर तुमने ये धागा ना उतारा ना वानिया, तो मैं इसे खुद तोड़ दूंगा। उतारो इसे। समीर, मैं ये धागा क्यों नहीं टूट रहा? तुझे हमारी बात समझ में नहीं आ रही ना? की बात समझ में नहीं आती ना? तुम ठीक हो? कहाँ है? बच्चे मामा अपने कमरे में आराम कर रही। मुझे मामा के पास जाए। नहीं, मामा की तबीयत नहीं ठीक, अभी आप मेरे साथ यहाँ पे सो रहे हैं। चलो जाओ।
रहन सो गई? माल मुश्किल से सुलाया है लेकिन अब सो गई। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, कुछ समझ नहीं आ रही, सब धर्म भरम हो गया। हम भी इतनी परेशान हैं, भाई भी इतने परेशान है, वादने भाभी के साथ। परेशान होना बनता भी है, कोई मामूली बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है ये सब कुछ होना। पहले हमारे घर पे, इसके बाद यहाँ पे। बाबा, मम्मा, मम्मा, आपको किसके बारे में मम्मा? बेटा मम्मा की मदद करो, खोलो मम्मा को आगे। मैं दरवाजा कैसे खोलूँ, उसमें ताले लगे। ताला खुल जाएगा बेटा, आप जाओ और उसको खींचो, खुल जाएगा। खोलो बेटा और रेन कोशिश करो, खुलेगा। शाबाश बेटा, खोलो खोलो मम्मा को। बेटा प्लीज, हो क्या बानिया? बानिया बानिया, ओपन द डोर। पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। आप लोग रुक जाइए यहाँ, इस बच्चे को निकालो यहाँ से। मम्मा मैं इस बच्चे आ दूंगा। वानिया नहीं, पापा। वानिया बेटा, नहीं जानता हूँ तुम, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, और ये भी जानता हूँ कि तुम बेटा हो। मुकाबला करो, मुकाबला। ये कुछ नहीं कर सकते हमारी मर्जी के बगैर, ये कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी बेटी है हुरैन, इसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। समीर, इनके होश में आने से पहले इनको बाहर कुर्सी से बांध दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सालों से संभाल के रखा था अपनी बहू के लिए,
कैसी किस्मत है मेरी, वो अच्छे मेरे घर वालों की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं बेटा, ये घर मोहब्बतों से भरा हुआ है और जब से तुम आई हो मोहब्बतें और बढ़ गई हैं। चल अरमान की अच्छी जॉब लग जाएगी, रुखा सूखा खा लेंगे, खुश रहेंगे। हाँ बहुत शुक्रिया चाची जान, आप आके में बहुत अच्छी हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, वरना मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा जी फिर वही बात, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मोहब्बत और खुलूस। असल में तो हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, सब कुछ छोड़कर आ गई हो यहाँ। पता है चाची जान, मुझे लगा था कि अम्मी और भाईजान मान जाएंगे, मुझसे कहेंगे कि मनाहिल तुम तो हमारी जान हो, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए, और तुम तो उनका खून हो, अगर तुम्हारे साथ ये सलूक कर सकते तो सोचो हम तो गैर। चची जान आप वाकई में हक पर है, अम्मी ने हमें बचपन से ही आपके खिलाफ हमें इतना पेन वॉश किया है, आप जब खुद पे गुजर रही है तो समझ आ रहा है। ये सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी ऐसी होगी। अच्छा तुम मेरी बेटी हो मनाहिल, तुम्हारा घर है, जाओ सारे बेवफा लोगों को आज रोना नहीं। समीर बेटा जो इनके गले में धागा है वो तोड़ दीजिए, जब तक ये रहेगा बंदिश खत्म नहीं होगी। निकाल दो बेटे इसके गले में से, निकाल दो ये धागा। बस मिल जान, बस सब सही हो गया। आप लोग ऐसा करें इनको अंदर कमरे में ले जाइए, तो मुझे कुछ पढ़ना है यहाँ। आंटी मेरे ख्याल से मैं घर जाऊँ, भाई और भाभी को देखूँ, समीर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दो। थैंक यू। तुम घर जाओ, अल्लाह की अमान में जाओ, खैरियत का फोन करते ना, इधर और है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ बेटे आ वानी अंदर चले, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं अब सब सही है। चलो मैं शाहजादा आपको भी इस चीज की जरूरत है। हाँ बेटा
खोदो। रुको बेटा, इसको हाथ मत लगाना। इसको मैं उठाऊंगा। समीर मियां, यही थी गलाजत। इसको समंदर में फेंक दें, आपका घर मुकम्मल तौर पे साफ हो जाएगा। राजत अम्मी, अभी शाह बाबा ने लॉन की खुदाई करवा के मुझसे ये निकलवाया है बाहर। देखे जमीला की हरकतों की, तावीज भी फरहाना उसी के हाथ से रखवाती थी। अम्मी जिसकी भी हरकत हो, हमारा घर है ना ये, हम इसकी हिफाजत नहीं कर पाए। किसी दूसरे की हिम्मत क्या होती है कि हमारे घर में इस किस्म की हरकतें करे। बेटी जो 24 घंटे घर में रहता हो, आप उसकी कितनी निगरानी कर सकते हैं। जब वो यहाँ थी, हमें पता ही कहाँ था, कौन है, किस मकसद से आई है, कौन करवा रहा है ये सब। अब तो यकीन आया ना बेटे तुम्हें। ज़ाहिर है हमें कभी देखा ही नहीं था, सुना था इन खुराफात के बारे में। इसको ले जाओ बेटे, इसको कहीं बहुत दूर ले जाके फेंको। शाह बाबा ने यही कहा कि इसको समंदर में फेंको। मैं ठीक है, तुम अभी जाके फेंकाओ इसे। तुम अगर मैं घर छोड़ती तो उस बुड्ढे की हिम्मत न होती घर में दाखिल होने की। तुम सारी रात सोचती रही और मैं अमल करता रहा, जंग करता रहा मैं उस बुड्ढे के साथ। क्या करना है? फौरन शादी कराओ अपने बेटे की। मैं कल निकाह करवा। नहीं, आज अभी इसी वक्त। ठीक है, मैं अभी काजी का बंदोबस्त करती हूँ। समीर हमारी राह का सबसे बड़ा पत्थर बन गया है, उसका भी कुछ करना है। इसे तो मर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। राबेन, जो भी हुआ उन्हें ही होना चाहिए था, इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब सब ठीक हो गया है। भाभी जो कुछ भी हुआ उसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं था, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत तकलीफें उठाना पड़ी है। आई एम रियली सॉरी। भाभी जो कुछ होना था हो गया, मगर अब तो सब ठीक है ना, चल बातों को भूल जाते। हाँ ठीक कह रहा है ये, भूल जाओ जो होना था वो हो गया। ठीक कह रहे हैं भाई, अब और कुछ मैटर नहीं करता। अब यहीं खड़े रहोगे, बातें करते रहोगे या जाके रेस्ट भी करोगे? जाओ रेस्ट करो, तुम दोनों जाओ। शाबाश। फाइनली बहुत मुश्किल अमल है, जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। जरा सी बेएहतियाती और बहुत बड़ा नुकसान। ऐसा इससे पहले भी तो आपने इतने अमल करवाए मुझसे, सब में कामयाब हुई हूं। इस अमल की ताकत का तुम्हें एहसास नहीं है। इधर तुम अमल खत्म करोगी
वो मर जाएगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें समझा रहा हूं तरह से भूल चुक से बहुत नुकसान उठाओगी, इतना नुकसान की खून के आंसू उठाओगी। कोई भी नुकसानों में उठाने को तैयार हो, बस मकसद पूरा हो जाए। बस एक और बात, पापा साहब इस अमल से सारे नहीं मर सकते, पूरा खानदान। ये अमल जिंदगी में सिर्फ एक बार किया जाता है, बस ध्यान रखना कि किसी इंसान की तुम पर नजर न पड़े, अगर पड़ गई तो अमल उल्टा भी हो सकता है। जब अमल करने लगो तो मुझे भी बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि ताकत तुम्हें हो जाए। अगर उल्टा हो गया तो दोनों को नुकसान होगा। ये अमल बड़े बड़े गुरु करते हुए डरते हैं। अगर अमल कामयाब हुआ हम दोनों को फायदा है ना? मुझे पूरा यकीन है बाबा साईं, मेरा ये अमल कामयाब, आप देखिएगा। ये अमल दिन के किसी वक्त भी किया जा सकता है, अपने कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना, खिड़कियों पे पर्दे डाल देना, और अगर कोई शीशा कमरे में हो उसके ऊपर भी पर्दा डाल देना। मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, थोड़ी सी भूल चुक से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले निकाह का बंदोबस्त कर लो, फिर ये अमल करना। काजी साहब तो नहीं मिल रहे, वो शाम में ही वापस आएंगे। मामलात हाथ से बाहर निकल रहे, बाबा साईं ने खास अमल दिए, वो मैंने हर हाल में आज करना है। कल घर में शादी है, इसको कौन सा अमल? समीर को रास्ते से हटाने के लिए आज ही ये अमल करना है, बाबा साईं ने खास हिदायत दी है। ये अमल करते हुए कोई भी मुझे ना देखे, कोई भी किसी इंसान की नजर भी पड़ गई तो ये अमल उल्टा हो जाएगा। तुम हॉल देखने जाओ तो मैं नायल को अपने साथ लेकर जाओ ताकि मैं सकून से आज ये अमल मुकम्मल करूं। इसका मतलब अगर समीर मर जाएगा तो सारी जायदाद तो मिनाहिल की होगी। मतलब हमारी। चची जान, क्या आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? सब कुछ पता चल गया, कुछ क्यों रहे हो? ना बड़ा धोखा, मैंने आप लोगों पर एतबार करके अपना घर बार छोड़ा,
उनको गलत आप लोगों को सही समझा होगा। ऐसा तो मैंने भी तुम्हारी माँ पे किया था। क्या किया तुम्हारे माँ बाप? जायदाद छीन सड़क पे फेंक दिया हम। क्या ये धोखा नहीं है? अभी इसी वक्त अपने घर जा रही हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कमरे में बंद करो इसे।